बड़ी खबर आ रही है जहां यहां पे आपको बता दें कि सीएम चंपई सोरेन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, दिल्ली रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सीएम चंपई सोरेन दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, उसके लिए वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जहां आपको बता दें कि उसके लिए एयरपोर्ट रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। दिल्ली में कई मुद्दों पर बात हो सकती है, कैबिनेट विस्तार पर, जब कांग्रेस में घमासान जो मचा है, नाराज विधायक जो चल रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात हो सकती है। दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए सीएम चंपई सोरेन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात करेंगे। कई मुद्दों पर बात हो सकती है। और सीधे अपने सहयोगी शाहनवाज का रुख करेंगे जो हमारे साथ एयरपोर्ट से बने हुए। शाहनवाज, सीएम चंपई सोरेन जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट आ रही है? जी हाँ, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बस थोड़ी देर पहले ही हम लोग इंतजार करते रहे उनका मुख्य कैनेपी में, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ही तरह हमें चकमा देकर तमाम रिपोर्टरों को और वीआईपी गेट से अंदर चले गए और किसी भी तरह से उनकी कुछ तस्वीरें हमें लेने में कामयाबी मिली है। हमारे चालक ने इनकी तस्वीरें ली हैं। बहरहाल, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें बता रहे हैं कि पहला ऑफिशियल टूर है झारखंड के सीएम के तौर पर चंपई सोरेन का। वो दिल्ली गए हैं, हालांकि पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के तौर पर वो वहाँ पर एक बार इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने वहाँ पर जा चुके हैं। बहरहाल, इनकी पहली ये दिल्ली यात्रा है और उनके इस यात्रा का कार्यक्रम है मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करना, और जो कांग्रेस का आला कमान वहाँ उपलब्ध होगा, हो सकता है कि सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो जाए, लेकिन ये अभी तक इसका कोई कार्यक्रम नहीं है। बहरहाल, वो दिल्ली थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे, सेवा विमान से वो जा रहे हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा ये है कि वो सेवा विमान से जा रहे हैं, क्योंकि पिछली तमाम जो यात्राएँ होती थी वो चार्टर विमान से हुआ करती थी, तो इससे सामान्य आदमी के तौर पर सामान्य लोगों के साथ वो चार्टर विमान से नहीं, सेवा विमान से जा रहे हैं। एक पॉइंट बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाएंगे जो कांग्रेस के 12 विधायक लगातार नाराज़गी अपनी जता रहे हैं, और अभी भी थोड़ी देर पहले भी उनकी जो नाराज़गी है वो बरकरार रहने की खबर है, और ये बताया जा रहा है कि एक जगह वो जुटेंगे किसी होटल में और वो अपनी नाराज़गी को प्रकट करेंगे आपस में डिस्कशन कर करके। बहरहाल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली गए हैं और गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू भी गए हैं, और जाते जाते राजेश ठाकुर ने हम लोगों से ये कहा कि किसी प्रकार की कोई नाराजगी ऐसी नहीं है जिसको अंतर्कलह का नाम दिया जाए, सामान्य नाराजगी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई इतनी बड़ी नाराजगी नहीं है कि जिससे कोई नुकसान हो जाए और सरकार की अस्थिरता पर प्रश्न आ जाए। सुदीप कुमार सोनू ने भी अपने एक नाराज़ विधायक वहाँ भी नाराज़ हैं बैद्यनाथ राम, उसके बारे में कहा कि वो स्वाभाविक बात है किसी व्यक्ति के साथ ये घटना घट गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और बहुत ही समर्पित व्यक्ति हैं, उन्होंने नाराज़गी में ऐसा कुछ कह दिया है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर संपर्क में है और उनको भी समय पर मना लिया जाएगा। बहरहाल, चंपई सोरेन बस थोड़ी देर में दिल्ली रवाना हो जाएंगे और विधायकों की नाराज़गी से संबंधित और तमाम तरह की जो आगे की रणनीति है, कौन किस सीट पर लड़ेगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा लोकसभा में, वो सब कुछ इस मुलाकात में डिस्कस करके ही लौटेंगे, क्योंकि आगे अब चुनाव में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। जी सोनाली जी, बिल्कुल शाहनवाज, तो जो राजेश ठाकुर है और तमाम जो बोल रहे हैं कि ये शिष्टाचार मुलाकात है और वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो विधायक नाराज चल रहे हैं वो भी एक बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, क्योंकि बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। इरफान अंसारी के आवास पर अभी भी बैठक चल रही है, वो भी जो 12 विधायक नाराज
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।